वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एडवेंचर पार्क में ख़त्म किया था, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। वो व्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था, अब इस व्लॉग में देखते हैं क्या क्या है। फिलहाल तो आपको व्यू दिखाता हूँ, पूरा पहाड़ी है। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप से दिखा रहे हैं, इसे देखते हैं क्या दिखाते हैं। लेट्स गो एंड एंजॉय द व्यू। अभी इस माइक्रोस्कोप से देखने वाले हैं क्या है। भैया क्या दिखा रहे हैं सबसे पहले? यहाँ पकड़ना, अभी जाऊंगा ना, और थोड़ा सा गैप रखना और आइस लगाओ। अभी क्या देखेंगे? अभी देखेंगे टेंपल। टेंपल और थोड़ा सा गैप रखना। देखो लोटा शिव मंदिर का मंदिर, हाँ जी, फेमस टेंपल है ये काली माता का। अच्छा, जो कि गाड़ी का कोई भी साधन नहीं है, ऑन फुट पैदल ही रास्ता है इस पे, इसीलिए गांव के भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं यहाँ। अभी हमने काली माता टेंपल देखा, जिसमें ऑन फुट रास्ता है, गाड़ी का कोई रास्ता नहीं है। वाटर कैचमेंट, अब हम देखेंगे शिमला का वाटर कैचमेंट, अभी वो देखते हैं। थोड़ा सा गैप रखे तो कुछ जमीन में देख रहे हैं, बॉक्सेस सही में बने हैं। ये नेचुरल वाटर, सामने जंगल है पहाड़ों से नेचुरल चश्मों का, जो कि ब्रिटिश टाइम की प्लानिंग है, वन टाइम पूरे शिमला के लिए, जो कि आज भी यूज़ हो रहा है ये पूरे गांव में, यहाँ पीने के लिए, खेतों के लिए नेचुरल वाटर। और जा भी सकते हैं, देखो फ्रंट में रास्ते बने हैं ना, लेकिन परमिशन से, ये गवर्नमेंट लैंड है, वैसे जो है कोई लोकल भी अलाउड नहीं है। ये है शिमला वाटर कैचमेंट, ओके, अभी देखेंगे। तो ये था शिमला वाटर कैचमेंट, जो ब्रिटिश ने बनाया, पूरा पूरे शिमला को यहाँ से पानी सप्लाई होता है। अभी यहाँ पे हम विलेज देखने वाले हैं शिमला के, और कई छोटे बड़े गांव हैं, और उनका नेम सरू फार्मिंग, खेती के लिए। देखो फ्रंट पे सीढ़ी नुमा खेत है, स्टेप फार्मिंग है, यहाँ 6-7 घरों का ये गांव बन जाता है। ऐसे कई छोटे बड़े गांव हैं यहाँ, लोकल नेम सरू। तो अभी ये सारे विलेजेस थे जो कि सारे स्टेप फार्मिंग करते हैं यहाँ पे लोग, उनका काम हो जाता है। अभी हम देखने वाले हैं गद्दार मूवी की शूटिंग जहाँ पे हुई थी, वो दिखाता हूँ आपको। पाकिस्तान बताते हैं अंडर शिमला में ही है, कच्चा सा मकान के तीन शेड है। हाँ, यहाँ पे शूटिंग हुई थी, यहाँ 1.5 महीने की शूटिंग। जो भी मैंने हाउस देखा वहाँ पे शूटिंग हुई थी, ये वैसे तो इंडिया में, बट इसको ये पाकिस्तानी बताते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यूज थे, बहुत मज़ा आया इसमें भी, आगे देखते हैं क्या है। सो अभी हमने ये 4 स्पॉट्स देख लिए, काली माता टेम्पल, ब्रिटिश जहाँ पानी स्टोर करते हैं, लोग एक घर जहाँ वो स्टेप फार्मिंग करते हैं, और गद्दार की शूटिंग जहाँ पे हुई थी, वो बहुत मज़ा आया। आगे चलते हैं, झागू टेम्पल जा रहे हैं, आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार। झागू टेम्पल जा रहे हैं, बाकी चढ़ाई ऐसे कल के बाद तो और फटी पड़ी है, बहुत ज़्यादा ऐसे स्लांट है, एकदम डर लग रहा है पूरा। बाकी बजरंगबली की जय, हम बचाएंगे। फाइनली कार पार्क, बहुत मुश्किल था यहाँ पे, क्योंकि एक गाड़ी को बैक होना, तो सबको बैक होना, एक गाड़ी को आगे जाना तो सबको आगे जाना है, और इसकी चढ़ाई तो भूल गया। पता नहीं मैं सेंसिटिव कब से हो गया कि मेरे को डर लगने लग गया चढ़ाइयों से, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता था, बट हाँ हो जाता है कभी कभी। अभी फ़िलहाल गाड़ी यहाँ लगा दी है, ऊपर टेम्पल में जाएंगे। शिमला में आके ट्रैकिंग का सपना भी पूरा हो गया, इतनी सीढ़ी, इतनी मोटे मोटे, अभी अंदर भी बहुत सीढ़ियाँ है। कम ऑन, जय बजरंगबली। ये जो ऊपर देख रहे हो, ये सारा हनुमान चालीसा लिखा है हर एक बोर्ड पे, मैंने भी अभी नोटिस किया। सो विद अ न्यू कैप वी आर हियर एट द झागू टेम्पल, दैट ह्यूज बजरंगबली स्टैचू, लेट मी शो यू, सी दिस 108 मीटर टॉल स्टैचू ऑफ बजरंगबली, सो ह्यूज। सो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ झागू टेम्पल? जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो हनुमान जी को भेजा था राम जी ने कि संजीवनी लेके आओ, तो जब वो श्रीलंका जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे रेस्ट किया था, और इस प्लेस का नाम पड़ा था झागू टेम्पल। यहाँ पे ये जो स्टैचू है पहले नहीं था, ये 2010 में बनाया गया है, 108 मीटर का। अभी उस साइड मंदिर है, वहाँ जाएंगे और प्रसाद चढ़ेंगे। सो हनुमान,
हनुमान जी से रिलेटेड एक स्टोरी याद आती है, अभी वो रिपीट कर देंगे। आई वॉज इन केदारनाथ, हमें पूरे दिन हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा था, तो जाते जाते हनुमान जी की इतनी छोटी सी मूर्ति थी, बहुत छोटा था मैं, कुछ 7-8 साल का ही था, तो पूरी रात हनुमान जी को प्रे किया, पूरी रात हनुमान जी को प्रे किया। अगली सुबह गेट पे नॉक होता है कि सर आपका हेलीकॉप्टर रेडी है, आप जा सकते हैं। तो इतनी खुशी हुई थी उस दिन, हेलीकॉप्टर में पहली बार बैठे थे और केदारनाथ के दर्शन भी हुए थे। आज भी यहाँ से एक हनुमान जी का छोटा सा पीस लेंगे उस याद में। बल्ज महाराज की जय। सो दिस इज झाकू टेम्पल, लेट्स गो इनसाइड। सो दिस इज द ब्यूटिफुल झाकू टेम्पल, वेरी पॉजिटिव वाइब्स। सो दैट्स इट फ्रॉम द झाकू टेम्पल, नाउ वी आर गोइंग डाउन स्टेयर्स। अंदर हम इसलिए बैठे थे, सभी बैठते थे क्योंकि हनुमान जी खुद यहाँ पे आके बैठे थे, तो हम भी बैठना चाहिए। बाकी यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत ही, तो नीचे भी जाना है, फिर कुछ खाते हैं। झाकू टेम्पल यहीं तक का था, अभी नीचे उतरते चढ़ाई से, फिर जाएंगे माल। अभी यहाँ मॉल रोड पहुँचे, बहुत जाम है, पार्किंग बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ लिफ्ट से ऊपर जाना है, फिर वहाँ पे देखते हैं क्या होगा। सो फाइनली शिमला की सबसे हैपनिंग प्लेस द मॉल, देखते हैं क्या क्या है ऊपर, कुछ एक्टिविटीज है वो करते हैं, खाते हैं कुछ। ये देखो मॉल रोड के थोड़ी सी शॉप्स, कल्चरल शॉप्स, ये कुछ शिमला के शॉल्स। आज कितना चलाएगा, कितना चलाएगा ये चर्च का पूरा रास्ता ऐसे ऊपर, यहाँ से ऐसे ऊपर, बहुत चल लिया आज, बहुत लूज कर लिया, बहुत लूज। सो इतनी मेहनत करके सीढ़ी चढ़ के वी आर हियर एट द शिमला चर्च। ये था पूरा शिमला चर्च, आप देख सकते हैं, ये देख लो पूरा। इसको द रिच कहते हैं शायद, मेरे को पक्का नहीं पता। वहाँ पे शूटिंग होती है कोई, ये लाइब्रेरी है, ये चर्च है, और ये पूरा मॉल रोड है। रिच शायद आगे भी हो सकता है, पता नहीं। इट्स टाइम फॉर द फेवरेट पार्ट। ये एक बहुत सुंदर सा लाइटिंग है, घर है, पूछ लेता हूँ उसको भी क्या कहते हैं, फिर आपको बताता हूँ। ये सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए है, नाम पता है नहीं किसी ने, 2-3 लोगों से पूछा और वहाँ पे लिखा भी नहीं ऐसा कुछ। फ़ोटो खिंचाई थी, अच्छी नहीं आ रही यहाँ पे। अभी देखते हैं नीचे माल रोड पे क्या है, अभी हम ऊपर आ गए थे। अभी एक पुलिस स्टेशन में आया, पता नहीं रियल है फेक है, दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये एक फ़ोन बूथ है पुलिस का, अंदर ये पुलिस स्टेशन है, सही है, ये असली पुलिस स्टेशन है। ये लिखा है पुलिस असिस्टेंट रूम, वहाँ पे फ्लैग, यहाँ पे ये बंदा बैठा है, ही सेइंग ड्यूटी विद माय लव। बाकी ये थोड़ा मॉल रोड का व्यू, मॉल रोड सही बताऊँ बोरिंग ही है, शॉप्स ही हैं। बाकी एक बार ऊपर जाया हो नीचे, जिसको शॉपिंग करनी नहीं घूमना है वो क्या करे, चलता रहे, मज़ा नहीं आया इतना मॉल रोड में। ऐश कहते हैं शिमला की बहुत बढ़िया चीज़ है, बट सिर्फ वो चर्च चौधरी घूमने के लिए, बाकी तो शॉपिंग ही है। अभी खाना खाया शिमला के एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट शेर पंजाब में, बहुत सही खाना है इसको, ट्राई करना करा तो। होटल आ चुके हैं, पैरों की बैंड बच चुकी है, बहुत थक चुके हैं। इस व्लॉग को अभी यहीं ख़त्म करते हैं, कल जाएंगे दोबारा, नया व्लॉग बनाएंगे, नई नई जगह घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।